जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर वन इलाके में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो पैरा स्पेशल फोर्स के जवान शहीद हो गए, वहीं सेना के तीन जवान घायल हो गए। दरअसल सेना और पुलिस केशवान के जंगलों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में आतंकियों ने जवानों को अपने निशाने पर ले लिया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं में बीजेपी जहां स्थानीय लोगों के शामिल होने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस ने सख्त कदम न उठाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नायब सूबेदार राकेश कुमार का जो शहादत है निश्चय ही दुखद है। जो परसों जो घटना हुई थी, तो उसके बाद जब कुलदीप और नजीर दो लोगों की शहादत हुई और बड़ी क्रूरता के साथ उनको शहीद किया गया, तो अब जो हमारी फोर्सेस हैं वो उनको घेर कर रखी हुई थी, उसके लिए एनकाउंटर वगैरह चलते रहे। उसी में मुझे लगता है कि ये केशवान इलाके में वही लोग होंगे। हालांकि सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं उनको ढूंढने में, जंगल होने के कारण से शायद उनको कामयाबी नहीं मिली और अपने ही जवान वहां पर एक शहीद हुआ और उसके साथ तीन लोगों की जो जख्मी हुए। ऑपरेशन अभी चल रहा है, देखो पूरी जानकारी क्या आती है, उनको मार गिराया जाएगा, लेकिन हालांकि हेलीकॉप्टर और दूसरे तरीके से भी इनको सर्च किया जा रहा है, जल्द ही इसके रिजल्ट मिलेंगे ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मिलिटेंसी दोबारा सर उठा रही है, इस पर सोचने की जरूरत है कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज बाहर के लोग आकर के इतना बड़ा वो कांड करें वो संभव नहीं होता जब तक कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत ना हो। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। दो दिन पहले वहां हमारे दो बीलर डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार किडनैप करके उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसी एरिया के आसपास किश्तवाड़ जिले में ही आज की घटना के एक नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुआ और तीन पैरा कमांडो के सैनिक जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और शहीद को सल्यूट करते हैं, लेकिन चिंता यह है कि घटनाएं जारी हैं जम्मू में भी और कश्मीर में भी आतंकवादी, और शर्म की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता सरकार में और सरकार दावे करती है कि हमने हालात को काबू कर लिया, सामान्य कर लिया और आतंकवाद का खात्मा कर लिया। यूटी बनाने के बाद दो ढाई साल से जितनी घटनाएं जम्मू सूबे में हुई हैं, जम्मू जिले के अंदर हुई हैं, इतने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए आतंकवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है और अभी भी घटनाएं जो हैं वो तेजी से हो रही हैं, कश्मीर हो जम्मू हो। इसलिए केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर, वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लैंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी साथ लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी है और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए। आपको बताते चलें कि इससे पहले जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ में दो वीडीजी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहा था और पूरी तरह से मुस्तैद था। हालांकि आतंकियों ने मौका देखते ही सुरक्षा बलों को अपने निशाने पर ले लिया।